हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो शॉपिंग की हूँ उसी के बारे में, और कुछ पॉट्स मैं ख़रीदी हूँ तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। कौन से प्लांट मुझे कितने प्राइस में मिला है और कौन से पॉट मुझे कितने में मिला है उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए डॉग फ्लावर है। डॉग फ्लावर मैं 25 का ली हूँ। 25 का एक दिया है, पॉली बैग में है, इसलिए नहीं तो जो भी उनके पास मिट्टी के पॉट में था वो फुटी से नीचे का प्लांट नहीं था। बहुत ही ज़्यादा यहाँ कॉस्टली प्लांट देता है। और नर्सरी का मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ था, और भीड़ वाले एरिया में अभी ज़्यादा देर ठहरना मुश्किल है। तो मैं जल्दी जल्दी प्लांट ली और वहाँ से निकल ली, और इसी चक्कर में मेरा एक पिटूनिया का प्लांट वहीं छूट गया। और मैं दो पिटूनिया ली थी, एक पिटूनिया मेरा वहीं रह गया। ये है जरबेरा। जरबेरा मुझे 150 का पड़ा है और काफ़ी अच्छा हेल्थ है इसका, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रहा है और काफ़ी नीचे से बर्ड्स बन रहे हैं, तो मैं इसलिए इसको ले ली। और बहुत ही हेल्दी प्लांट है इसका, बहुत ही जल्दी 2 से 3 प्लांट मैं बना दूँगी। नेक्स्ट है फ्रेंड ये पिटूनिया, जो एक छूट गया है एक मैं ली हूँ, और पिटूनिया यहाँ 50 का देता है। ये जो पॉट में लगा हुआ है वो 50 का रहता है, और पॉली बैग में जो रहता है वो 40 का रहता है। तो पॉली बैग वाला नहीं था, नहीं तो मैं पॉली बैग वाला ही प्लांट लेती। जो मिट्टी का इस तरह का पॉट में रहता है वो 50 का देता है। और पिटूनिया काफ़ी हेल्दी है, और मेरे पास काफ़ी पिटूनिया ऑलरेडी है, सीड से मैं ग्रो की हूँ, लेकिन वो अभी फ्लावरिंग नहीं किए हैं और काफ़ी छोटे छोटे से प्लांट है, इसलिए मैं 2 पिटूनिया ले ली हूँ। और कलर मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसीलिए। और ये देखिए पॉन्सीटिया है। पॉन्सीटिया मुझे इस ये वाला फ्री में मिला है, और इससे पहले मैं एक पॉन्सीटिया लाई थी उनके यहाँ से, तो वो प्लांट बिल्कुल डैमेज था, जो नीचे का एरिया होता है बिल्कुल टूटा हुआ था, और मैं कुछ दूर लाई तो वो पूरी तरह से टूट गया। ये देखिए ये मैं लाई थी और ये बिल्कुल नीचे से डैमेज था, और कुछ दूर लाने के बाद वो बिल्कुल एकदम जड़ से ही टूट गया था। तो मैं उसका कटिंग तो लगाती हूँ, शायद ये चल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ले जाओ अगर आपका प्लांट टूट गया है तो। ये प्लांट मैं 2 से 3 बार लगाई हूँ, हर बार ग्रो तो हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है मेरे गार्डन में, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं रह पाता है, सर्दी तक रह जाता है। लेकिन इस बार मैं देखूंगी, इसे थोड़ा सा और ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बच जाए। और ये मैं लाई थी 100 में लाई थी, और ये चला नहीं, टूट गया पहले ही, तो उसी की जगह पे मुझे दूसरा प्लांट मिला है। और ये है स्टॉक फ्लावर। ये स्टॉक मेरे पास काफ़ी सारा प्लांट है, लेकिन ये वाला मुझे फ्री में उन्होंने दिया, बोला ले जाओ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और ये पॉट मुझे 3 पॉट जो है ग्रीन वाला, ये मुझे मिला है 99 में 3, और ये 99 में 4 मिला है। ये साइज़ के हिसाब से मिल रहा था, जो सबसे छोटा था वो 99 का 4, और जो 8 इंच का था जो ग्रीन वाला है वो 99 में 3, और जो सबसे बड़ा था 15 इंच का था वो 99 में 1 मिल रहा था। तो मुझे सबसे बड़ा वाला पॉट नहीं चाहिए था, मुझे ये दोनों साइज़ का चाहिए था। ऐसे तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पॉट है, लेकिन सर्दियों में पॉट कम पड़ जाते हैं, और इसीलिए मैं ये 7 पॉट लेकर आई हूँ। और ये देखिए बल्ब है, ये मुझे एक आंटी दी हैं, जिनका वीडियो मैं 1-2 बार शेयर की हूँ अपने चैनल पे, उन्होंने ही मुझे ये दिया है। और कुछ मुझे हिबिस्कस के कटिंग दिया है उन्होंने, उसे तो मैं लगा दी हूँ, और ये बल्ब भी मैं ग्रो कर दूँगी। और ये लिली का बल्ब है शायद, और इसमें से जो देखिए जो नोट्स है सबका ऊपर की ओर आ रहा है, बहुत जल्दी इसमें से प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसे भी ग्रो कर दूंगी। और बहुत ही हेल्दी मुझे बल्ब्स लग रहे हैं, और उन्होंने अपने पॉट में से निकाल के दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे शॉपिंग मेरे आज के थे, और भी मैं पहले कुछ प्लांट शॉपिंग की हूँ तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट मैं पहले शॉपिंग करी हूँ। ये देखिए 2 गजानिया है, और दोनों गजानिया दोनों अलग अलग कलर के हैं। ये जब मैं पॉन्सीटिया लाई थी उसी टाइम इसे वाई की थी। ये मुझे 25-25 के मिला था, पॉली बैग में लगा हुआ था, और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और
दोनों मुझे 25 में मिला था और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। बहुत ये वाला बहुत छोटा है और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और बहुत सारे बर्ड्स भी इसमें हैं। दो तीन फ्लावरिंग ये किया है। और ये देखिए, ये जीनिया भी मैं लाई थी, ये भी मुझे 30 का पड़ा था और ये हाइब्रिड जीनिया है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे मेरे शॉपिंग थे और आज का शॉपिंग का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, नया जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ख्याल रखें। जय माता दी।